केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल टॉप 10, जहाँ पे होगी देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। मिसाल, अयोध्या के हिंदू बहल गांव के लोगों ने शिक्षक रहे मुस्लिम प्रत्याशियों को अपना प्रधान चुना। देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर सियासत करने वाले राजनेताओं के सामने अयोध्या के आम मतदाताओं ने लोकतंत्र की अनोखी मिसाल पेश की है। अयोध्या के राजापुर गांव के लोगों ने अपने गांव के इकलौते मुस्लिम परिवार के हाफिज अजीमुद्दीन को अपना प्रधान बनाया है। जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पप्पू यादव ने 3 दिन पूर्व सांसद मत में खरीदे गए एम्बुलेंस के बेकार पड़े होने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने खुद उस स्थल पर जाकर एम्बुलेंस की वीडियो ली थी। सीतलकुंजी फायरिंग मामले में सीआईडी ने भेजा सीआईएसएफ जवान के समन, बीजेपी ने साधा टीएमसी पर निशाना। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हो रही बेहताश मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चिंता जताई है। साथ ही कहा कि सरकार को COVID-19 के असल आंकड़े बताने चाहिए। जनता को नकली रेमडेसिविर बेच रहे थे जबलपुर के VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद चीफ, FIR दर्ज हुई तो गायब हो गए। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर अब तक के 100 विमानों में कुल 139 ऑक्सीजन टैंकर, कोविड चिकित्सा उपकरण, वैक्सीन और अन्य आवश्यक सामग्री को लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद बोले पप्पू यादव, नीतीश जी आप कोरोना पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं मुझे। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल कैंपों में पहुंचा कोरोना वायरस, 10 से ज़्यादा नक्सलियों की हुई मौत। बक्सर के बाद अब गाजीपुर में गंगा नदी में तैरती दिखी दर्शन और लाशें, कोरोना संक्रमित होने के डर से मचा हड़कंप। झारखंड में 14 मई से लगेगी 18 साल से ऊपर लोगों को कोरोना वैक्सीन, सीएम हेमंत बोले फ्री में होगा वैक्सीनेशन। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।